उसी वक्त चित्रा को फर्श पर किसी की परछाई नजर आती है और जब वो दरवाजे की तरफ नजरें करती है तो देखती है कि दरवाजे पर अनुराग खड़ा हुआ था। अनुराग को देखकर चित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिर्फ चित्रा ही नहीं बल्कि प्रशांत के भी, दोनों के हाथ पैर डर से कांपने लग जाते हैं। अनुराग को दरवाजे पर अचानक से देखकर चित्रा जल्दी से फर्श पर से अपने साड़ी का पल्लू उठाती है और उसे अपने बदन पर वापस से लपेटने लग जाती है। चित्रा इतनी बौखलाई हुई थी कि उसके हाथ से वापस से साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है। प्रशांत भी चित्रा के बदन से अपनी नजरें हटा लेता है और अगल बगल देखने लग जाता है जैसे वो खुद पर शर्मिंदा हो। चित्रा कुछ ही देर में अपने बदन पर वापस से साड़ी लपेट लेती है और अनुराग से रूबरू होते हुए हकलाते हुए कहती है, अनुराग तुम आ गए। अनुराग चित्रा की बात का पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है, बस उसे गुस्से से घूरते रहता है। प्रशांत चित्रा से अपनी नजरें बचाते हुए कहता है, अच्छा भाभी अब मैं निकलता हूँ, मुझे बिंदु को भी लेने स्कूल जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर प्रशांत वहां से जाने लग जाता है। प्रशांत वहां से जा ही रहा था कि उसी वक्त अनुराग प्रशांत का हाथ पकड़ते हुए कहता है, बिंदु को लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है प्रशांत, मैं बिंदु को घर छोड़कर आ चुका हूँ। प्रशांत अपने माथे पर का पसीना पोंछते हुए कहता है, तुमने छोड़ दिया बिंदु को घर, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अनुराग प्रशांत को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो प्रशांत, वो भी मेरी गैर हाजिरी में। प्रशांत हिचकिचाहट के साथ वहाँ पर रखे गैस सिलेंडर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो मैं सिलेंडर लेकर आया था। अनुराग अभी भी भारी आवाज में प्रशांत को घूरते हुए कहता है, तुमने ये धंधा कब से शुरू कर दिया प्रशांत, तुम्हारी तो चाय नाश्ते की दुकान है ना। प्रशांत इस बात को मजाक में टालने के लिए हंसने की झूठी ही कोशिश करते हुए कहता है, कोई धंधा शुरू नहीं किया अनुराग, वो क्या है ना भाभी का कॉल आया था तो उन्होंने कहा कि सिलेंडर खत्म हो गया है तो बस मैं बाजार में ही था तो वहीं से लेकर आ गया। प्रशांत की ये बात बोलते ही पहले तो अनुराग चित्रा को गुस्से के साथ घूरने लग जाता है, पर फिर अगले ही पल फिर प्रशांत से गुस्से में ही कहता है, मेरे घर के काम मैं खुद कर लूंगा प्रशांत, तुम अपने घर के कामों पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है, दुकान पर पावली भाभी इंतजार कर रही है तुम्हारा, काफी ग्राहक है वहां पर। प्रशांत बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ पावली का कॉल आया था, मैं बस सिलेंडर लगा के जा ही रहा था, वो क्या है ना रेगुलेटर कुछ ज्यादा ही टाइट था, मैंने सोचा मैं ही लगा देता हूँ, भाभी कहाँ लगाती बैठेगी और तुम थे नहीं यहाँ पर। अनुराग प्रशांत और चित्रा को टोंट मारने के अंदाज में कहता है, बताओ रेगुलेटर टाइट आ रहे हैं और किसी का चरित्र ढीला होता जा रहा है, वो गिरते जा रहा है। अनुराग की ये बात बोलते ही प्रशांत और चित्रा दोनों अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, रेगुलेटर लगाकर जाने का इरादा था या कुछ और करके जाने का इरादा था तुम्हारा। अनुराग की बात सुनकर प्रशांत समझ गया था कि मामला बहुत बिगड़ चुका था और एक पल भी उसका वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। प्रशांत अनुराग से अपनी नजरें चुराते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, पावली परेशान और योगी अकेले। इतना कहकर प्रशांत बिना अनुराग के जवाब का इंतजार किए वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो एक बार भी चित्रा की तरफ देखता तक नहीं है। कुछ देर तक तो अनुराग और चित्रा के बीच खामोशी छाई रहती है, पर फिर अगले ही पल अनुराग उस खामोशी को तोड़ते हुए चित्रा से रूबरू होते हुए कहता है, अब मुझे पता चला कि क्यों तुम मुझसे जाने से पहले पूछ रही थी कि तुम्हें आने में कितना वक्त लगेगा ताकि तुम किसी और को वक्त दे सको, है ना चित्रा। चित्रा अनुराग को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो अनुराग जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अनुराग अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, मैंने तो अभी कुछ समझा ही नहीं है चित्रा, तुम ही मुझे समझा रही हो। चित्रा पलट कर कहती है, मुझे पता है अनुराग तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने कहा ना जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अनुराग नम आंखों के साथ कहता है, इसमें सोचने समझने वाली क्या बात है चित्रा, सब कुछ तो खुद मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। चित्रा नम लहजे के साथ कहती है, कभी कभी जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता अनुराग, हमारी आंखें धोखा भी खा सकती है। अनुराग पलट कर कहता है, और कितने धोखे खाऊंगा चित्रा, मैं आज तक धोखे में ही तो था, आंख तो आज मेरी खुली है। चित्रा अनुराग को फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो अनुराग तुम गलत समझ रहे हो, वो सिलेंडर खत्म हो गया था तो मैंने बस प्रशांत को फोन करके दूसरा सिलेंडर लाने बोल दिया था, वही कहता रहता था ना भाभी कभी कोई काम हो तो याद करना, तो बस कर लिया मैंने याद। अनुराग चित्रा को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहता है, हाँ वो तो दिखाई मुझे चित्रा की किस तरह तुमने उसे याद किया, वो सिलेंडर लगाने के साथ क्या क्या कर रहा था। चित्रा झट से कहती है, अनुराग। चित्रा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अनुराग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, सिलेंडर मैं भी लाकर दे सकता था चित्रा। चित्रा पलट कर कहती है, तुम कैसे लाकर दे सकते थे अनुराग, तुम तो युग को लेने गए थे ना। अनुराग गुस्से के साथ कहता है,
उसे लेने के लिए भी तो तुमने ही भेजा था ना, वो भी झगड़ा करके। चित्रा परेशान होते हुए कहती है, अनुराग तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। वो हुआ यूं ना कि तुम गए तो मैं पहले पेंटिंग करने बैठ गई, फिर मुझे याद आया सिलेंडर तो चाय बनाते वक्त ही खत्म हो गया था। तुम मोबाइल यहीं भूल गए थे, वरना तुम्हें कॉल करके बता देती। तुम कब आते, कब सिलेंडर भरवाते, कब मैं खाना बनाती, कब पेंटिंग करती, इसलिए प्रशांत को बोल दिया मैंने। अनुराग चित्रा को घूरते हुए कहता है, अच्छी कहानी बना लेती हो चित्रा तुम भी। चित्रा कहती है, कहानी नहीं बना रही हूँ अनुराग, सच कह रही हूँ। अनुराग कहता है, अगर तुम सच कहती ना चित्रा तो तुम्हारी आंखों में डर नहीं होता आज, ना उस प्रशांत की आंखों में होता मुझे देखकर। तुम दोनों इतना घबरा क्यों गए थे, कांपने क्यों लग गए थे तुम दोनों के हाथ पैर इस तरह। चित्रा कुछ देर रुककर हिचकिचाहट के साथ कहती है, अनुराग कौन। चित्रा ने इतना कहा ही था कि तभी अनुराग फिर बोल पड़ता है, अगर अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो बता दो चित्रा। अनुराग की बातें सुनकर चित्रा की आंखें भी नम हो गई थी। चित्रा भी नम आंखों के साथ कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अनुराग, तुम कैसे भूल सकते हो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे प्यार करती थी तभी तो मैंने तुमसे शादी करी थी। अनुराग नम आंखों के साथ ही पलट कर कहता है, वही तो चित्रा प्यार करती थी, पर जब रिश्तों में कड़वाहटें आने लग जाती हैं, दरारें पड़ने लग जाती हैं, और वही प्यार नफरत में बदल जाता है, वही रिश्ते जंजीरों में बदल जाते हैं, हम अपने आप को बेड़ियों में लिपटा हुआ महसूस करने लग जाते हैं, इसलिए हमें उन बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए, न कि किसी को धोखे में रखना चाहिए। चित्रा रोते रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, वैसे भी अब तुम मुझसे प्यार करोगी ही क्यों, अब मैं वो अनुराग थोड़ी हूँ जिसमें सारी दुनिया को जीतने का जज्बा था, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस एक पत्नी थी जिसे वो खो चुका है। देखो चित्रा, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो चले जाओ, बस मुझे धोखे में मत रखो। चित्रा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अनुराग अगर मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होता ना तो कब की जा चुकी होती, पर सच तो यह है कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए अनुराग, हमेशा तुमने मुझे गलत ही समझा है और आज भी वही समझ रहे हो। इतना कहकर चित्रा रोते हुए खुद वहां से चली जाती है। चित्रा के वहां से जाते ही अनुराग की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लग जाती है और वो भी रोते हुए खुद से कहता है, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ चित्रा, आज मुझे पता चला कि क्यों प्रशांत मेरे सामने तुम्हारी हर छोटी सी बात की तारीफ करते रहता था, आज मुझे उस तारीफ के पीछे की वजह पता चली है। अनुराग के कान में अभी भी चित्रा की यही बात गूंज रही थी, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाए अनुराग, कभी नहीं समझ पाए। अनुराग एक लंबी आह भरते हुए खुद से कहता है, मैं तो तुम्हें अच्छे से समझ गया चित्रा, पर तुम मुझे कभी समझ नहीं पाई, ना मुझे ना मेरे सपनों को, और मुझे तो ये भी पता है कि क्यों तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। मुझे छोड़कर ना जाने की वजह हमारा प्यार नहीं बल्कि युग है। इस हादसे के बाद से ही अनुराग और चित्रा के बीच जो दूरियां कम होने लग गई थी वो वापस से बढ़ने लग गई। उनके बीच हर दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही था। एक दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन अनुराग और चित्रा के बीच कोई झगड़ा ना हुआ हो। अनुराग और चित्रा के बीच भले ही वक्त के साथ दूरियां बढ़ती जा रही हो, पर अनुराग और युग के रिश्ते में वो पकड़ बन रही थी जो कभी नहीं टूटने वाली थी। युग अनुराग के साथ बहुत खुश रहता था और सबसे ज्यादा वक्त उसी के साथ बिताया करता था। ये युग और अनुराग के प्यार के जादू का ही असर था कि अनुराग का जो पैर कभी ठीक नहीं हो सकता था वो पैर धीरे धीरे ठीक होने लग गया था। जब अनुराग युग के साथ रहता था तो उसे अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस होती थी और वो खुद बिना बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश किया करता था। और दो हफ्तों में वो दिन भी आ गया जिसके बाद अनुराग को बैसाखी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। अपने दोनों पैरों पर सही सलामत चलने के बाद अनुराग और भी अच्छे से युग के साथ खेलने लग गया। युग को अनुराग के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, आखिर किस बेटे को अपने पिता के साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं होगा। अनुराग हर वक्त युग को यक्षिणी से जुड़ा कोई ना कोई किस्सा सुनाया करते रहता था और युग को भी यक्षिणी के बारे में सुनने में बड़ा मजा आया करता था। पर युग को लगता था कि ये बस कहानी है और कुछ नहीं, यक्षिणी हकीकत में नहीं होती है। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि युग को भी यक्षिणी पर यकीन होने लग गया। अनुराग और युग कालाझाड़ी जंगल के अंदर थे। युग ने अनुराग का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अनुराग के हाथ में उसकी बैसाखी नहीं थी, वो अपने दोनों पैरों पर सही सलामत चल रहा था। अनुराग ने हमेशा की तरह सफेद कुर्ता पहनकर रखा हुआ था। अनुराग और युग दोनों ही बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अनुराग अभी भी युग को यक्षिणी से जुड़े किस्से की कहानी सुना ही रहा था। अनुराग युग को यक्षिणी की कहानी सुनाते हुए कहता है, यक्षिणी यक्षिण लोक की रानी बनी क्योंकि यक्षिणी देवी थी युग बेटा, जो महादेव की आराधना में लीन रहा करती थी, उन्हीं की पूजा करती थी। युग नादानी में पूछ बैठता है,
वही महादेव जिनकी पूजा हम करते हैं पापा। अनुराग युग की नादानी को समझते हुए बड़े प्यार से जवाब देता है, हाँ युग बेटा, महादेव तो समस्त संसार में एक ही हैं, उनकी तरह इस संसार में कोई नहीं। उनकी पूजा सिर्फ हमारे लोक में नहीं बल्कि समस्त लोकों में की जाती है। भक्षानर भी उन्हीं की पूजा करता था। युग अनुराग को बीच में टोकते हुए कहता है, पर पापा भक्षानर तो बुरा था ना, आपने तो कहा था उसी की वजह से यक्षिणी डायन बनी थी और इसी लोक में फंस कर रह गई। अनुराग तुरंत जवाब देता है, भक्षानर बुरा हुआ तो क्या हुआ बेटा, पर महादेव तो अच्छे है ना, जो उनकी भक्ति दिल से करता है वो उनके हो जाते हैं। उनकी नजर में कोई अच्छा बुरा नहीं है, वो सभी को एक समान ही दृष्टि से देखते हैं, तभी तो वो देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल हैं। युग झट से बोल पड़ता है, पापा महादेव की पूजा तो माँ भी करती है, तो फिर क्या महादेव माँ से भी खुश होंगे? अनुराग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ युग बेटा क्यों नहीं होंगे, अगर तुम भी महादेव की पूजा करोगे तो महादेव तुमसे भी जरूर खुश होंगे। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पापा माँ कह रही थी कि बस भगवान होते हैं, ये भूत प्रेत डायन यक्षिणी जैसी कुछ चीज नहीं होती है, क्या यक्षिणी सच में नहीं होती है? अनुराग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं पता युग बेटा, पर मेरी बात मानो, यक्षिणी सच में होती है। युग कुछ नाराजगी के साथ कहता है, पापा अगर यक्षिणी सच में होती है तो वो मुझे दिखती क्यों नहीं है? अनुराग युग को टालते हुए कहता है, अभी आप छोटे हो ना युग बेटा, इसलिए आपको नहीं दिखती, जब आप बड़े हो जाओ तो शायद आपको यक्षिणी दिख जाए। युग अनुराग को एकटक देखते हुए कहता है, आप तो बड़े हैं पापा, क्या यक्षिणी फिर आपको दिखी थी? अनुराग खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। युग फिर अनुराग पर दबाव बनाते हुए उससे पूछ बैठता है, बताइए ना पापा आप चुप क्यों हो गए, क्या आपको यक्षिणी दिखी थी? अनुराग के मन में न जाने क्या आता है, वो युग से झूठ नहीं बोल पाता है और एक लंबी आह भरते हुए बोल पड़ता है, हाँ युग बेटा दिखी थी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।